उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हड़िया में मंगलवार को कस्बा हड़िया में स्थित नेशनल इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेटों द्वारा एनसीसी दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। बराले के कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर बीके सिंह रहे, जहाँ पर उनको आयोजक कैप्टन राजेश कुमार तिवारी द्वारा बुक एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत नेशनल इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य एवं एनसीसी अधिकारी कैप्टन राजेश कुमार तिवारी ने दिया। डॉक्टर बीके सिंह ने कैंडिडेटों को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहने की सीख देते हुए कहा कि आप लोग देश की द्वितीय पंक्ति की सेना है, भविष्य में जो भी बनेंगे उनमें से एनसीसी का अनुशासन और सीख अवश्य काम आएगी। कैडेटों को उन्होंने आर्मी ऑफिसर बनने के टिप्स दी। वहीं पर बच्चों द्वारा पिरामिड भी बनाया गया, साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पीजी कॉलेज हंडिया के प्राचार्य डॉक्टर रणविजय सिंह व डॉक्टर विवेक पांडे उपस्थित रहे। नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय कुमार मिश्रा ने सभी के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन प्रसून कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर कैप्टन मुन्ना सिंह, थर्ड ऑफिसर अरविंद कुमार सिंह व लेफ्टिनेंट बालेंद्र कुमार मिश्रा, सेकंड ऑफिसर रमेश कुमार तिवारी, सूबेदार सतीश कुमार, हवलदार सत्यपाल इब्तियार हुसैन आदि लोग उपस्थित रहे। आज का एनसीसी कार्यक्रम नवंबर के चौथे हफ्ते में होता है। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, एक ऐसे के लिए कि जूनियर लेवल से ही मिलिट्री के प्रति रुझान लगने वाले बच्चे पैदा किए जाएं, अनुशासित बच्चे पैदा किए जाएं और तैयार किए जाएं, और जिससे कि आगे चल करके सेना के हिस्सा बने। और लेकिन इस समय तो सेना में बहुत सी लोग आ गए हैं, एनसीसी वाले भी, बिना एनसीसी वाले भी उतने कंपटीशन साथ में, लेकिन एक फ़ौज हम लोग तैयार कर रहे हैं नेवी के और एयरफोर्स के और उसके इन्फेंट्री के, तीनों के अलावा एनसीसी की एक पूरी जमात रहेगी जो कि देश में किसी भी आपदा प्रबंधन में, किसी भी महामारी के समय में ये सब लड़के साथ में आ जाते हैं आपके, और पूरे पूरे सोसाइटी के काम में आते हैं एनसीसी की जो फौज है। और एक इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और यह भी कोशिश किया जाए कि जो एनसीसी के बच्चे सीट्स बहुत कम हैं, उस सीट्स को बढ़ाने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को एक प्रतिवेदन मैंने दिया है, और यह भी दिया कि जितने भी मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं सभी में एनसीसी की सुविधा ऑप्शनल कर दिया जाए, सभी कॉलेजों को लेने दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कुछ महीनों में उसका जीओ आ जाएगा। और इसी सब के साथ में आज इस एनसीसी के डे पर इन लड़कों के, इन छात्रों, एनसीसी कैडेट के उज्जवल भविष्य को, इनको सिर्फ एक जवान बनने के लिए नहीं कि इनको एक ऑफिसर बनने के, ये पूरा पूरा इसका श्रेय मेरे एनसीसी कैडेट्स को जाता है। और उसमें भी गर्ल्स और बॉयज़ कैडेटों ने तन मन धन से हर स्तर पर जो है अपना सहयोग किया और इस कार्यक्रम को इतना बेहतरीन बनाया। और मेरा एक सूत्र वाक्य भी है, मैं हमेशा कहता भी हूँ, जब भी मेरे बच्चे से बात होती है तो मैं एक ही नारा देता हूँ, मेरे बच्चे तो वो कहते हैं सबसे अच्छे। तो मेरे गर्ल्स और बॉयज़ सारा पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ। मैं तो केवल उनको एक थोड़ा सा रास्ता दिखाता हूँ, थोड़ा सा जो है उनको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, बाकी सारा श्रेय जो है मेरे एनसीसी कैडेट्स को जाता है। और आज एनसीसी दिवस पे मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।